जो 3 LED लाइट्स हैं ब्लिंक कर रही हैं, जो कि इसकी बैटरी लेवल है उसको शो करती हैं। इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिया गया है, उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा है। अगर बटन को सिंगल प्रेस करते हैं तो इसकी जो रेंज है उससे कम 20 मीटर यहाँ पर दूर खड़ा हूँ। उसको 1.5 घंटे के बाद मेरा कान से है वो पेन होने लगा। इवन मैंने 2-3 बार पूछा भी कि साउंड क्वालिटी कैसी है, तो मतलब रिप्लाई आया कि रोज से तो आज बेटर ही है। हेलो गाइस, दिस इज प्रांजल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक कैट 7 के। दोस्तों, बोट ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली में एक नया डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस, जिसका नाम है बोट एयर डोब्स 131। इसका जो प्राइस है वो 1300 रुपीज़ रखा है और फ्लिपकार्ट इसको 22 अगस्त को उसकी पहली सेल थी, तो पहली सेल में उसको परचेज़ कर लिया था। तो इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग, इसकी माइक क्वालिटी किस तरह से मिलती है, इसकी कॉल क्वालिटी किस तरह से मिलती है और इसकी साउंड क्वालिटी आपको किस तरह से मिल जाती है, इसका एक आइडिया देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने इसको 1 डे यूज़ किया है, तो मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन इस पर देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये जो प्रोडक्ट है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, को 22 अगस्त के फर्स्ट सेल में ऑर्डर किया था और ये पहुंच गया था 3 डेज़ में हमारे होम टाउन। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट हमको क्या क्या मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बॉक्स। इसमें जो फ्रंट पेज पे इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, 650 mAh की बैटरी दी हुई है। आप अपना वीडियो पॉज करके जितनी इन्फॉर्मेशन है फ्रंट पेज पर इसको पढ़ सकते हैं। दूसरे पेज पर देखें तो यहाँ पर आपको इंस्टा वेक एंड पेयर्स टेक्नोलॉजी, IWP टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर दी गई है। ब्लूटूथ 5.0 का यूज़ हुआ है और यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग जो है वो आपको मिल जाती है। और दोस्तों, दोनों साइड्स में आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसको ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा अंदर पुश करना पड़ेगा इधर, और ये है, ये रहा हमारा जो TWS ईयरफोन है, ट्रूली वायरलेस ईयरफोन। और अगर इसमें देखें तो इसके हमारी USB केबल होनी चाहिए, टाइप सी। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर टाइप सी की आपको केबल मिल जाती है। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी नहीं है, एवरेज क्वालिटी का यहाँ पर जो USB केबल है दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ द, ये यूज़र गाइड है, इसको कैसे यूज़ करना है। तो आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। मैं रिकमेंड करूँगा इसको ज़रूर पढ़िए। और इसमें अगर देखेंगे वारंटी कार्ड है, 1 ईयर की वारंटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, वारंटी कार्ड मिला है बोट की तरफ से, तो अच्छी बात है, 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। और ये जो है, ये कैटलॉग से चेन्नई सुपर किंग्स का शायद ये स्पॉन्सर है, तो चेन्नई सुपर किंग्स का यहाँ पर कैटलॉग आपको मिल जाता है। तो ये सारी जो बॉक्स कंटेंट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने ईयरफोन की तरफ। तो ये यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक की कवरिंग मिल जाती है, इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए, आप जो 3 LED लाइट्स हैं ब्लिंक कर रही हैं, जो कि इसकी बैटरी लेवल है उसको शो करती हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो LED लाइट्स हैं वो ब्लिंक करती दिखाई पड़ेंगी। और दोस्तों, आपको बता दें, इसका बॉक्स का लिड जब ओपन करेंगे तो जो ईयरफोन है पेयरिंग मोड में आ जाता है ऑटोमेटिकली। IWP टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ हुई है, तो जो ईयरफोन की लाइट्स हैं वो ब्लू और रेड में ब्लिंक करने लगती हैं, यानी कि ये पेयरिंग मोड में आ जाता है। और अगर आप जो डिवाइस को पेयर किए हुए हैं तो ये ऑलरेडी पेयर हो जाता है बॉक्स की लिड ओपन करने के बाद, तो आपको ईयरफोन को ऑन या ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर बोट के द्वारा दी गई है। और यहाँ पर आपको प्रीमियम प्रोडक्ट लगता है देखने में भी, और काफ़ी प्रीमियम फील आता है इसको टच करने में। थोड़ा सा बॉक्स को आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा यूज़ करते समय, क्योंकि स्क्रैचेज इसमें आ सकते हैं बहुत आसानी से। और बात करें ईयरफोन की, ईयरबड्स की, तो काफ़ी प्रीमियम फील देता है, काफ़ी अच्छा लगता है आप इसको अगर अपने कानों में लगाते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसको पेयर कर लेते हैं अपने फ़ोन से। तो बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि आप बॉक्स की लिड ओपन करते हैं, ये पेयरिंग मोड में आ जाते हैं,
और अगर आपको पेयर करना है तो अपने ब्लूटूथ में चाहिए उसको ऑन करिए और इसमें स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपको एयरपॉड्स 131 करके आ जाएगा और पेयर कर लीजिए। जो पेयरिंग मोड में इसमें ब्लू और रेड जो लाइट्स हैं वो एक साथ ब्लिंक करती हैं ईयरबड्स के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ओनली ब्लू लाइट जो है वो ब्लिंक करने लगती है। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया है एयरपॉड्स 131। तो दोस्तों ये इजीली कनेक्ट हो जाता है, कोई भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती इसको कनेक्ट करने में और आप इसको इजीली कनेक्ट करके एंजॉय कर सकते हैं म्यूज़िक को। काफ़ी पोर्टेबल है, आपके ईयर्स में आसानी से फिट हो जाता है, तो काफ़ी हैंडी लगता है, काफ़ी कूल लगता है देखने में आपके कानों में। और दोस्तों कुछ इसमें जो फंक्शंस है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो बटन्स हैं उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा है, अगर बटन को सिंगल प्रेस करते हैं तो जो सॉन्ग है वो पॉज हो जाता है, अगर बटन को डबल प्रेस करते हैं आप तो जो नेक्स्ट ट्रैक है वो चलने लगता है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रिपल टैप करते हैं दोनों ईयरफोन्स में तो जो जो ईयरफोन्स हैं आपके रीसेट हो जाते हैं। तो इस तरह से फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, यूज़र गाइड में भी आप पढ़ सकते हैं सारे फंक्शंस। दोस्तों बात करें इसके कंफर्टेबिलिटी की, तो ये प्लास्टिक के बिल्ड हैं और इसमें बड्स नहीं है, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनको बड्स की आदत है। वैसे मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये डिपेंड करता है आपके ईयर साइज़ के ऊपर, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। दोस्तों बात करें स्टेबिलिटी की, इसकी क्या ये आपके कानों में स्टेबल रहेंगे अगर आप बाहर जाते हैं कहीं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो क्या ये आपके कानों से गिर जाएंगे? तो इसके लिए हमारे जो फिटनेस फ्रेंड हैं वो आपको एक डेमो देना चाहते हैं, फिर आप डिसाइड करिए देख कर। तो फ्रेंड्स मैंने इसको कनेक्ट कर लिया अपने फ़ोन से। अब मैं इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो आपको बताने जा रहा हूँ। वायरलेस माइक की तरह अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो किस तरह से आपको क्वालिटी मिल जाती है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये कान में अच्छी तरह फिट हो जाता है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं है बट ओके है। और इसको आप पहन के हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो घर में जिम में कर सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप बाहर रनिंग के लिए जा रहे हैं तो इसको पहनिए क्योंकि गिर सकता है। और इसको कोई इसमें ऐसा फीचर नहीं है कि आप इसको ढूंढ पाएँ। तो मैं इसकी आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसकी जो रेंज मिल जाती है। मैं पीछे जाता हूँ और नियर अबाउट 10 मीटर यहाँ पर बताया गया है, लेकिन देखते हैं कितना आपको मिलता है। तो मैं इस समय इसकी जो 10 मीटर की रेंज उसको पार कर चुका हूँ और फिर मैं इस समय जो अपना सेकंड रूफ है उसके ऊपर जाता हूँ और देखते हैं कि इसकी जो वॉइस उसका डिस्टॉर्शन होता है कि नहीं होता है। इससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि 10 मीटर की जो रेंज है उसकी जो रेंज है ओपन में किस तरह से आपको मिलती है। तो जूम करिएगा, तो इस समय आप देख सकते हैं मैं इसकी जो रेंज है उससे कम से कम 20 मीटर यहाँ पर दूर खड़ा हूँ। और पीछे जाता हूँ तो देखते हैं इसका जो वॉइस का डिस्टॉर्शन है, कनेक्शन है, ब्रेक होता है कि नहीं होता है। इस समय मैं एकदम छत के एंड तो गुम करिए, तो यहाँ पर देखिए वॉइस ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही आ जाएगा। और यहाँ पर जो नॉइस कैंसिलेशन आप किस तरह से इसकी जो माइक की क्वालिटी है, अगर आप इसको फिर आप वायरलेस माइक की तरह यूज़ करना है इसको अपने फ़ोन के, किस तरह से आपको इसकी जो क्वालिटी है मिल जाती है। ये जस्ट आज ही आया हुआ है तो मैं आपको जल्दी से इसका रिव्यू दे देता हूँ जिससे कि नेक्स्ट डे में आपको इसको परचेज करना है कि नहीं करना है ये आप डिसाइड कर लें। और मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे ठीक ठाक लगा है बहुत। दोस्तों मैं पर्सनल अगर ओपिनियन दूँ इस पर, मैंने काफ़ी वायरलेस माइक यूज़ किए हैं ब्लूटूथ के, तो मुझे वन ऑफ द बेस्ट ये लगा है। इसकी जो क्वालिटी है माइक की काफ़ी अच्छी है, इसकी जो कैचेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, वो ज़्यादा आपको तेज़ नहीं बोलना पड़ेगा और एक अच्छे से कैच कर लेगा। तो चलिए आपको कॉल क्वालिटी देते हैं, इससे आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको मिलती है इसकी माइक की क्वालिटी। हेलो, हाँ अंकित भाई, हेलो। हाँ भाई बताओ। हाँ भाई कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया, बताइए सर।
इस समय देखिए मैं एक आपसे जेन्युइन रिव्यू चाहता हूँ। मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, एक नई डिवाइस हमने परचेज किए, बोट का एयरडोस 131। तो ये ट्रूली वायरलेस इस तरह से ये फोन है। तो मैं इसमें कॉल क्वालिटी इसकी चेक कर रहा हूँ, तो इस समय मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है? हाँ आ रही है, आ रही है, ठीक आ रही है, बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे बट हाँ ठीक आ रही है। हाँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू रहता है ना, तो उसमें भी अच्छा थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो मैं अभी देखिए अभी तो रूम में था, मैं छत पे आ रहा हूँ, अपने रूम पे आ रहा हूँ, तो वहाँ देखिए आपको कुछ डिफरेंस नजर आता है कि नहीं आता वॉइस क्वालिटी में? ठीक है, मैं आ गया हूँ अपने रूम पर और आप बताइए कुछ डिफरेंस अगर लग रहा हो आपको। हाँ आप आवाज एकदम क्लियर आ रही है, हाँ आप ठीक आ रही है, आप ज्यादा क्लियर आ रही है, हाँ आप अच्छी आ रही है। हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ थोड़ा एयर भी चल रही है तो उसके साउंड तो नहीं आ रहा आपको? नहीं नहीं। अच्छा बैकग्राउंड नॉइस कुछ आ रहा? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं आ रहा। अच्छा लास्ट टाइम जो वन प्लस बुलेट से मैंने आप कॉल किया था, अगर मैं डिफरेंस आपसे पूछूं तो कौन सी क्वालिटी आपकी अच्छी लगती है? क्वालिटी पे अगर नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये ज्यादा बेटर लग रही है। अच्छा ये ज्यादा अच्छी लग रही है उससे? हाँ हाँ ओके, वॉइस क्लियर है, पीछे से बैकग्राउंड में भी कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, सब कुछ सही लग रहा है। अच्छा थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके 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 बाय। तो दोस्तों बात करते हैं बैटरी एंड चार्जिंग की, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ब्लूटूथ ईयरफोन्स के लिए। तो दोस्तों इसमें मिल जाती है, इस बॉक्स में आपको 650 mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करने में लगते हैं 2 घंटे। और अगर हम बात करें ईयरफोन्स की, तो इस ईयरफोन्स में मिल जाते हैं आपको 40 mAh की बैटरी, और इसको मुझे चार्ज करने में लगभग लगे थे 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटे 10 मिनट में दोनों जो ईयरफोन से वो इस केस में, इसके केस जो मिलता है उसके साथ में, वो चार्ज कर देता है 1 घंटा 10 मिनट में इसको। और हम बात करें चार्जिंग इसको कैसे करनी है, तो इसको जो केस है इसको ओपन करिए और सिंपली जो ईयरबड्स है उसको अंदर डाल दीजिए, और जैसे ही आप केस बंद करते हैं जो चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, जो 3 LED lights है वो ब्लिंक करती रहती है जब तक कि आपका जो ईयरबड से फुल्ली चार्ज नहीं हो जाती, तब तक लाइट जो है वो ब्लिंक करती रहती है। तो दोस्तों आज ये डिवाइस मैंने यूज़ किया, तो मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन का कंक्लूज़न है मैं बताने वाला हूँ आपको। इससे पहले मैं आपको कुछ अलग करके इस पर कंक्लूज़न देना चाहता हूँ। तो मैंने इस डिवाइस को अपने दोस्तों को भी दिया था, वो उन्होंने भी 1-2 घंटे 2-3 घंटे यूज़ किया है, तो उनका कंक्लूज़न, उनका जो फीडबैक है वो लेते हैं, तो मैंने उनसे भी फीडबैक लिया है, उनका जो जेन्युइन फीडबैक है, तो चलिए सुनते हैं उनका फीडबैक, फिर मैं अपना जो कंक्लूज़न है, अपना जो वर्डिक्ट है वो बताऊँगा। हाय निमेश, मैं आपसे फीडबैक लेना चाहता हूँ, आपने बोट एयरपोर्ट यूज़ किया आज, आपने कितने घंटे यूज़ किया? हाय प्रांजल, मैंने बोट एयरपोर्ट जो है वो तकरीबन 2 घंटे तक यूज़ किया था मैंने। okay. और कंसिडरिंग की हाउ एफिशिएंट इट वाज क्वाइट गुड। ओके सो मैं जानना चाहता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी को आप तो 10 में से कितना रेट करें? बिल्ड क्वालिटी को मैं 10 में से 9 रेट करूँगा। सरफेस फिनिश काफी अच्छा था, ग्लॉसी लुक है, कूल लुक है और काफी सॉलिड है। ओके और कंफर्टेबिलिटी का बात करें तो आपको कैसी लगी? आई वुड रेट इट एट 6 बिकॉज़ उसको 1.5 घंटे के बाद मेरा कान से है वो पेन होने लगा था उसको यूज करते करते, तो आई वुड रेट इट एट 6 मे बी ईयर टू ईयर डिफर करे किसी का कान का, नॉट दैट कंफर्टेबल, हां कंपेयर टू माय ईयर साइज। ओके सो how much you rate the sound quality of that? Sound quality I would rate it 10 out of 10. It was quite good. Which one is better? AirDose or that Boat 225? I would 255, sorry. Okay, I would say that just because of comfortability. Yeah. Just because of comfortability I would consider Boat Rockers 255 more efficient. But overall, in all those areas, like the look and the voice quality and the noise cancellation quality, yeah. I would rate the AirPod better. So, have you got it well for money? Yes, it is quite well for money, you know. Yeah. I mean, with such a low price, you are getting much more features okay. in this tiny gadget. Okay.
quite, you know, quite value for money. I would say that if you wish to buy something, I mean, in that money, in that price range, I would say go for it. हाय अशुतोष, आज आपने बोट एयर डोप्स यूज़ किया तो मैं आपको फीडबैक देना चाहता हूँ. आपका जो जेन्यून फीडबैक है इस प्रोडक्ट को लेके, आप बताइए. तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो कैसी लगी. तो ये बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, देख सकते हैं आप, जैसा कि बहुत ही कूल लगता है जब आप इसको यूज करते हैं तो बहुत ही कूल और स्टाइलिश लगता है. एज यू कैन सी बहुत लाइट वेट है इसका और ये ज़्यादा पेन भी नहीं करता इससे ईयर, तो ये बहुत ही अच्छा है. तो बिल्ड क्वालिटी में आप 10 में से कितने नंबर देंगे. बिल्ड क्वालिटी में हम 10 में से इसको 9 स्टार देना चाहेंगे. ओके, तो अगर दूसरा पॉइंट देखें तो कंफर्टेबिलिटी, कितना कंफर्टेबल लगा आपको. ये कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है ये. आप आपने कितने आवर तो यूज़ किया इसको. हमने इसको लगभग 1.5 से 2 घंटे यूज किए अभी और मुझे जरा से भी इशू नहीं हुआ है. मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे किसी से बात भी की है, वॉइस डिस्टॉर्शन जरा सा भी नहीं हुआ है और बहुत ही कंफर्टेबल भी है. और आप इसको लगा के इवन एक्सरसाइज भी बहुत फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ये गिरने का भी कोई डर नहीं है. कंफर्टेबिलिटी में से इसको 8.5 स्टार देना चाहिए हम. ओके, 8.5. अगर हम बात करें साउंड क्वालिटी, तो आपने बोट का जो वायर्ड ईयरफोन है वो भी यूज़ किया है, जो वायरलेस ईयरफोन है वो भी यूज़ किया है, और आपने वन प्लस बुलेट की भी आवाज़ उसको यूज़ किया, सुना है उसको. तो आपको अभी उससे कंपेयर अगर करेंगे तो कैसी साउंड क्वालिटी आपको लगी इसकी. उससे कंपेयर इसका हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसकी साउंड क्वालिटी बिल्कुल अलग है. हमने 1.5-2 घंटे कन्वर्सेशन भी किया और म्यूजिक भी सुना. कन्वर्सेशन में हमने देखा कि वॉइस डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं था और वहाँ से आवाज़ आ भी क्लियर रही थी और जाने का तो बात ही छोड़ो, बहुत ही क्लियर आवाज़. मतलब वैसे नॉर्मली हम रोज़ बात करते हैं तो बात कटती है, लेकिन आज बिल्कुल कोई भी कुछ इशू नहीं हुआ है. इसकी साउंड क्वालिटी में मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा. अच्छा, अगर बात करें, आपने वैसे ही बता दिया कन्वर्सेशन आपने किया 1 घंटा का, अगर आप कॉल क्वालिटी की बात करें तो आपको कैसा लगा ये. बहुत ही अच्छा कॉल क्वालिटी के लिए तो बहुत ही अच्छा है. इवन क्या आपको थोड़ा तेज बोलना पड़ा इसमें. नहीं, बिल्कुल नहीं. एज यूजुअल कन्वर्सेशन बहुत स्लो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना. बहुत मतलब जो दूसरी तरफ आवाज साफ जा रही थी, एकदम क्लियर जा रही थी, कोई इशू नहीं था. जरा सा भी नहीं इशू था. इवन मैंने 2-3 बार पूछा भी कि साउंड क्वालिटी कैसी है, तो मतलब रिप्लाई आया कि रोज से तो आज बेटर ही है. अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू ऐसे भी रहता है, लेकिन आज बहुत सही था. ओके अशुतोष जी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक. तो दोस्तों, आपने सुना, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने यूज़ किया इसको 1-2 घंटे तक, उनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था इस पर, जो इनका फर्स्ट फीडबैक था उन्होंने बताया. तो अगर मैं अपने फीडबैक की बात करूं इस एयरपॉड्स पे, तो ये जो एयरपॉड्स मुझे अच्छा लगा और इसका जो डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया. अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी और काफ़ी प्रीमियम लुक देता है. तो बिल्ड क्वालिटी मैं इसे 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा. अगर बात करें कंफर्टेबिलिटी की और स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट डिज़ाइन है. कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपको किस तरह से पसंद है. अगर बड्स वाले पसंद तो हो सकता है ये वाली पसंद ना आए, और अगर आपकी ईयर का साइज भी डिफरेंट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है. तो कंफर्टेबिलिटी में इसको देता हूँ 7.5 मार्क्स. अगर बात करें इसकी माइक की क्वालिटी की, तो माइक की क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है आपको, और आपको मैंने काफ़ी सारे डेमो दिए हैं, वहाँ आप जाके देख सकते हैं. तो कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती, दूसरा जो पर्सन है कोई ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं होती आपको सुनने में. तो मैं माइक क्वालिटी को यहाँ पर दूंगा 9 out of 10. अगर बात करें साउंड की क्वालिटी, तो साउंड क्वालिटी यहाँ पर एवरेज मिलती है आपको. यहाँ पर जो बेस है वो लोअर साइड में ही है, और जैसे वन प्लस में आपको बैलेंस साउंड मिल जाता है, उस तरह इसमें भी मिल जाता है. तो अगर आपको चाहिए आपको कंपैरिजन वन प्लस और इसमें, तो आप बताइएगा. वन प्लस बुलेट्स और बोट एयर डोब्स 131 पे कंपैरिजन बना दिया जाएगा, आप कमेंट्स में मेंशन करिएगा. तो साउंड क्वालिटी में मैं इसको 8 नंबर देता हूँ. अगर बात करें इसके वैल्यू फॉर मनी होने की, तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये, आप इसको परचेज कर सकते हैं. तो दोस्तों, बताइए कमेंट्स में कि आपको ये जो रिव्यू है वो कैसा लगा. मैंने सारे पॉइंट्स कोशिश किया कवर करने में. एक ही दिन मैंने इसको यूज़ किया, तो जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने सारा मेंशन किया है. और मैं चाहता हूँ कि अगले सेल तक आप थोड़ा, आपको आइडिया हो जाए इस प्रोडक्ट के बारे में कि किस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिलता है. दोस्तों, अगर
आपको इस तरह रिव्यूज़ और चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।